लोक संस्कृति एवं लोक कला के संरक्षण में पुरवाई कला के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर दो दिवसीय पुरवाई मात्र कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुरवाई कला की सचिव ममता केतन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि 1 अगस्त व 2 अगस्त को पुरवाई मात्र कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो चंद्रकांति रमापति देवी आर्य महिला PG कॉलेज के सभागार में होना सुनिश्चित है, जिसमें संगोष्ठी, संगीत, लोक चित्र का निर्माण एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया जाएगा तथा पुरवाई मात्र कला लोक चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला तथा उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन द्वारा किया जाएगा। ममता केतन ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 40 महिला चित्रकारों के बनाए कोहबर व चौक के चित्र प्रदर्शनी लगाया जाएगा। 2 अगस्त को स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा तथा युवा व वृद्ध कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुरवाई कला की सचिव ममता केतन एवं संरक्षक ध्रुव श्रीवास्तव ने कहा, मैं ध्रुव श्रीवास्तव, ये पुरवाई कला मातृकला का मैं संरक्षक हूँ संस्था का। यह संस्था मुख्य रूप से ये मान के चले कि डॉक्टर राजीव केतन की याद में, चूँकि वही इसके एक सृजक थे, दुर्भाग्य से हम लोग के बीच में नहीं है, दूसरी पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि पे ही हम लोग इसका ये आयोजन करते हैं। इस आयोजन में ये रहता है कि हर बार हम लोग कोई नया कंसेप्ट लेते हैं। इस बार हम लोगों ने लिया है कि पूर्वांचल की जो कलाएँ हैं, शादी ब्याह या जो भी लोक संस्कृति से संबंधित है, उनको हम लोगों ने लिया है और एक ग्रुप बना के हम लोगों ने पूरे देश भर से, खासकर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश में, उन महिलाओं से हम लोगों ने उनके चित्र मंगवाए हैं। वो बहुत से लोग अपने चित्र लेके खुद भी आ रहे हैं। 1 तारीख को इसका चित्र इसमें इसका जो है चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला PG कॉलेज में इसका आयोजन किया गया है। पहले दिन कार्यक्रम में ये होगा कि जैसे पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय पुष्पदन जैन जी कर रहे हैं और उद्घाटन भूतपूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी के द्वारा किया जाएगा। पहले दिन उद्घाटन के बाद एक संगोष्ठी है, पूर्वांचल में लोक कला का संरक्षण, जिसके जो मुख्य वक्ता जो होंगे डॉक्टर प्रोफेसर रामसब सिंह हैं, हरिप्रसाद सिंह जी हैं, इनकी अध्यक्षता में मुख्य वक्ता पुष्पदन जी की अध्यक्षता में ये लोग मुख्य वक्ता रहेंगे और एक संगोष्ठी का आयोजन है। पहले दिन 40 पेंटिंग्स जो है जो आ रही है उसकी प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और एक संगीतात्मक लयबद्धता के साथ इन चित्रों का को दिखाया भी जाएगा। उसी चित्रों में से 2 चित्र, एक वयोवृद्ध वर्ग से और एक युवा वर्ग से, 2 चित्रों का एक जूरी के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और वो अगले दिन जो 2 तारीख को पुनः वहीं पे जो कार्यक्रम के अगले दिन और अंतिम दिन, उनमें उन 2 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन जी की के लिए एक श्रद्धांजलि सभा भी रखी जाएगी और उसके पश्चात ये कार्यक्रम की समाप्ति। किन किन जगहों से आ रहे हैं चित्रकार? चित्रकार बेसिकली जो पूर्वांचल से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सारी जगहों से वो चित्र अभी तक आ चुके हैं और उनकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इन 4-5 राज्यों से वो लोग आ रहे हैं। ममता श्रीवास्तव, हाँ, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है पुरवाई कला गोरखपुर की तरफ से। पुरवाई कला गोरखपुर के संस्थापक डॉक्टर राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इन 2 दिनों के कार्यक्रम, पहले दिन लगभग 40 घरेलू महिलाओं की लोक चित्रों की प्रदर्शनी होगी, जिसका उद्घाटन माननीय श्री
शिव प्रताप शुक्ला जी के द्वारा होगा और उसके पश्चात एक संगोष्ठी का आयोजन है जो कि पूर्वांचल के लोक चित्रों पर ही आधारित है और एक संगीतबद्ध लाइव चित्रण का प्रोग्राम रखा गया है और दूसरे दिन हमारे पुरवाई लोक पुरवाई कला गोरखपुर की तरफ से दो कलाकारों का हर वर्ष सम्मान किया जाता है जिसमें एक युवा कलाकार होता है और एक वयोवृद्ध कलाकार सम्मान समारोह है और उसके पश्चात श्रद्धांजलि सभा है। कब लगानी है ये प्रदर्शनी, कब लगेगी ये प्रदर्शनी का उद्घाटन 1 तारीख को होगा, 1 और 2 सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, साथ में प्रदर्शनी का अवलोकन होता रहेगा। इसमें बाहर से भी चित्रकार आ रहे हैं? जी, बाहर से लगभग पूर्वांचल के कई कलाकार बाहर भी जो जाकर बस गए हैं उन कलाकारों ने भी इसमें भाग लिया है और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोक चित्र हैं उनको बनाकर इसमें पार्टिसिपेट किया है।